हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेसन टे आनी एथिरे पुलिस विभाग में बहुत गुड़े वैकेंसी रो नोटिफिकेशन टी आसी एथिरे एसआई एएसआई स्टेनो जूनियर आसीस्टेंट पंचायत सेक्रेटरी बहुत गुड़े निजुक्ति रही। आपण जदि दशम प्लस टू किंबा प्लस थ्री पास करछन्ते एही सब पोस्ट रे अप्लाई करि परिबे। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रही, एज लिमिट कोन रही, किपर अप्लाई करिबे एवं सिलेक्शन टी किपर होइ परिबो, एही सब विषय रे मु आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहिबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करबा को चाहुछन्ते एही वीडियो टी को संपूर्ण देखि नेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक कर नेबे ओ जदि चैनल टी को नुवा करि आछन्ते तबे एबे ही सब्सक्राइब कर नेबे, जहा द्वारा आगो को आसुथवा नुवा नुवा जॉब रो इनफॉर्मेशन गुड़िक डेली बेसिस रे पाई परे। चालंतु देखि नेबा कोन रहिछि एयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, एटा हु कैन अप्लाई माने केउ माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर परे ना एथिरे ऑल ओडिसा रो सब जिल्लार पिला माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर परे। एथिरे जेंडर देखि ओले बहुत मेल एवं फीमेल रहिछि, एयर अर्थ उभय पुरुष और महिला पिला माने ए पोस्ट पे अप्लाई कर परे। एथिरे सैलरी देखि ओले एथिरे बहुत गुडा वैरायटी रो पोस्ट रहिछि। आपण एठा देखि पातुए लेवल 1 रो आरंभ करी लेवल 6 पर्यंत दरमा रही। मिनिमम सैलरी 18,000 आरंभ कर 1,20,400 टका पर्यंत सैलरी रही। एज लिमिट देखा गले मिनिमम एज रही 18 वर्ष और मैक्सिमम रही 45 वर्ष। यापर देखो पोस्ट डिटेल्स के सब पोस्ट निजुक्ति रही। सब इन्स्पेक्टर, आसीस्टांट सब इन्स्पेक्टर, डिलिंग आसीस्टांट, जूनियर आसीस्टांट, बहुत गुडा भैकेंसी रही जोटा कि आप सब बहुत गुडा रही। साइंटिफिक आसीस्टांट, इन्स्पेक्टर सब पोस्ट जदि एक्सपीरियंस जदि अच्छी आपंकर अप्लाई कर पारे, किंतु आमे केवल सही पोस्ट गुड़ी देखा जो गुड़ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस 2 और प्लस 3 मगा जाए। देखो सब इन्स्पेक्टर रही आसीस्टांट सब इन्स्पेक्टर, डिलिंग आसीस्टांट, जूनियर आसीस्टांट, स्टेनोग्राफी, पंचायत सेक्रेटरी, एक्सटेंशन ऑफिसर, अकाउंटेंट एवं फॉलोअर पोस्ट रही। फॉलोअर सफाई वाला, कुक, धोबी, कारपेंटर एपरी विभिन्न प्रकार पोस्ट रही। देखो एज लिमिट बा बयस सीमा देखा गले समस्त पोस्ट रे एज लिमिट मिनिमम रही 18 वर्ष, मैक्सिमम रही 38 वर्ष। किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार ओबीसी पिला मान पे 3 वर्ष, एसटी पिला मान पे 5 वर्ष और फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला मान पे 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही। आपण देखि पर्थे जो माने पोस्ट पुलिस रे अप्लाई करिया चाहुछन्ते सेमानकर मैक्सिमम एज रही 30 वर्ष। किंतु अन्य पोस्ट गुड़िक जोडा साइंटिफिक आसीस्टेंट, डिलिंग आसीस्टेंट, सफाई कर्मचारी, फॉलोअर ओ एसओ पोस्ट पे मिनिमम एज रही 18 वर्ष, मैक्सिमम रही 38 वर्ष जोडा कि फीमेल कैंडिडेट पिला मान पे। किंतु मेल मानों पे मिनिमम एज रही 18 वर्ष, मैक्सिमम रही 33 वर्ष। एथे देखंतु फॉलोअर कारपेंटर ए पोस्ट पे मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम रही 33 वर्ष फॉर मेल। सेपरी रिसेप्शनिस्ट पे मध्ये फीमेल पे मिनिमम एज रही 18 वर्ष, मैक्सिमम रही 35 वर्ष। पो पिला मानों पे मिनिमम एज रही 18 वर्ष, मैक्सिमम रही 30 वर्ष। एथे देखंतु ए पोस्ट रे मिलिथिया सैलरी बा दरमा देखियो गले एथिरे लेवल 1 रो लेवल 6 पर्यंत दरमा रही जोटा कि 8,000 आरंभ कर 1,12,400 टका पर्यंत सैलरी रही। एथे देखंतु फॉलोअर जोटा कि धोबी, कुक, बार्बर, कारपेंटर, सफाई कर्मचारी ए पोस्ट मान पे लेवल 1 रे 18,000 आरंभ कर 56,900 टका पर्यंत सैलरी रही। सेपरी जूनियर आसीस्टेंट रे लेवल 2 रे 19,900 आरंभ कर 63,200 टका पर्यंत सैलरी रही। सेपरी ए डिलिंग आसीस्टेंट, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, सब इन्स्पेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी ए पोस्ट रे लेवल 4 रे 25,500 आरंभ कर 81,100 टका पर्यंत सैलरी रही। सेपरी साइंटिफिक आसीस्टेंट, अकाउंटेंट, एक्सटेंशन ऑफिसर ए पोस्ट मान पे लेवल 5 रे 29,200 आरंभ कर 92,300 टका पर्यंत सैलरी रही। किंतु सब इन्स्पेक्टर, एक्जीक्यूटिव, सब इन्स्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर, रेडियो ऑपरेटर ए पोस्ट मान पे लेवल 6 रे 35,400 रु आरंभ कर 1,12,400 टका पर्यंत सैलरी रही। देख पाते लेवल 1 रु आरंभ कर लेवल 6 पर्यंत दरमा रही। नेक्स्ट देखो ए पोस्ट रे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा डिटेल्स देखा गले सब इन्स्पेक्टर, एएसआई, डिलिंग आसीस्टेंट पे +3 पास मगा जाइछि, ता सहित 2-व्हीलर लाइसेंस एवं लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जदि अछि ताले आपण ए पोस्ट रे अप्लाई कर परबे। सेपरि स्टेनोग्राफर पोस्ट पे +3 पास विथ स्टेनोग्राफी रखा जाइछि। जदि आपण +3 पास करछन्ते एनी स्ट्रीम रे आर्ट्स होंतु किंबा कॉमर्स होंतु किंबा साइंस होंतु, ता सहित जदि आपण स्टेनोग्राफी ट्रेनिंग नैछन्ते ताले आपण ए पोस्ट रे अप्लाई कर परबे। सेपरि जूनियर आसीस्टेंट पे +3 पास मगा जाइछि, ता सहित जदि कंप्यूटर नॉलेज अछि ताले आपण ए जूनियर आसीस्टेंट पोस्ट पे अप्लाई कर परबे। सेपरि पंचायत सेक्रेटरी, ईओ, अकाउंटेंट पे +3 पास विथ कंप्यूटर नॉलेज रखा जाइछि। जदि आपण +3 एनी स्ट्रीम रे पास करछन्ते ता सहित कंप्यूटर नॉलेज अछि ताले आपण ए पोस्ट गुडी रे अप्लाई कर परबे। सेपरि फॉलो
ଫଲୋଅର୍ରେ ଦଶମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ କୁ ଧୋବି ମାଳି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା, ଏଥିରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ବାହାର କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସ୍ ଫଟୋକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟରେ, ଯାହାର ସାଇଜ୍ ରହିଛି 20KB-50KB ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରକୁ କଳା କାଳିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ସେଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟରେ, ଯାହାର ସାଇଜ୍ 10KB-20KB ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ PMT ଏବଂ PET ଯୋଉଟାକି ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ହେବ, ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ସହ PMT ଏବଂ PET ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ କେବଳ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫଲୋଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ ଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ, ଫଲୋଅର୍, କୋପ୍, ବାରବେର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। ତା ସହିତ ରେଡିଓ ଅପରେଟର, ରେଡିଓ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ସିଫେୟର ଅପରେଟର, ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କୁକ୍, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ, ଏହିପରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଅଫିସର, ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସ୍କେଲ ଅପ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ରେଡିଓ ଅପରେଟର ଏହି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲେଭେଲ 6ରେ 35,400 ଆରମ୍ଭ କରି 1,12,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଅଫିସର, ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ଲେଭେଲ 5ରେ 29,200 ଆରମ୍ଭ କରି 92,300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଆର୍ସିଏସ୍ ପାଇଁ ଲେଭେଲ 4ରେ 25,500 ଆରମ୍ଭ କରି 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଲେଭେଲ 2ରେ 19,900 ଆରମ୍ଭ କରି 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଫଲୋଅର୍ ଯୋଉଟାକି ୱାଚରମ୍ୟାନ, ମାଳି, ଧୋବି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, କୁକ୍, ବାରବେର, କାର୍ପେଣ୍ଟର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲେଭେଲ 1ରେ 18,000 ଆରମ୍ଭ କରି 56,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 30/5/2023 ଅନୁଯାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ +3 ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ +3 ପାସ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ଏବଂ 4 ହ୍ୱିଲର ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ପାଇଁ +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି +3 ସାଇନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ଏବଂ 4 ହ୍ୱିଲର ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ +3 ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 2 ହ୍ୱିଲର ଆଣ୍ଡ 4 ହ୍ୱିଲର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଫଲୋଅର୍, ୱାଚରମ୍ୟାନ, ମାଳି, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଧୋବି, କୁକ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 10th ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ 2 ହ୍ୱିଲର ଯଦି ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଯୋଉଟାକି +3 ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ଏଥିରେ +3 ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫରରେ ଆପଣ +3 ପାସ୍ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ସାଇନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଯଦି ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ 80 words per minute ସର୍ଟ ଟର୍ମ କରିପାରୁଥିବେ, ତା ସହିତ 40 words per minute ଟାଇପିଂ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେନୋଗ୍ରାଫରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ +3 ପାସ୍ ମଗାଇଛି, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଅଫିସର ପାଇଁ +3 ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ +3 ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ
प्लस सी पास मगाई देखो फिजिकल स्टैंडर्ड कौन रही केवल पीएमटी एवं पीईटी टेस्ट रही क्वालिफाई कर एप्लाई करिया चाहते ताले एथरे पीएमटी टेस्ट देबे एवं पीईटी टेस्ट देबे यदि पीएमटी एवं पीईटी टेस्ट यदि क्वालिफाई करले ताले रिटन टेस्ट देबे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करले आपनर सिलेक्शन होई पारियो एथरे देखंतु सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर सिफेयर डीलिंग असिस्टेंट ए पोस्ट मान पे कौन रखाई ना ओबीसी ईडब्ल्यूएस एवं जनरल पिला मान पे को पिला मान पे 168 सेंटीमीटर हाइट रखाई चेस्ट 81 सेंटीमीटर रखाई एवं एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर रखाई किंतु फीमेल महिला मान पे केवल हाइट रे 155 सेंटीमीटर रखाई किंतु एसटी मान पे को पिला मान पे 160 सेंटीमीटर रखाई हाइट जो पिला मान पे 148 सेंटीमीटर रखाई किंतु को पिला मान पे चेस्ट 77 सेंटीमीटर रखाई एवं एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर रखाई एसटी पिला मान पे सेपरि एथे देखंतु सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर पे कोन रहिछि ना हाइट रही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस पिला 168 सेंटीमीटर रखाई चेस्ट 81 सेंटीमीटर एवं एक्सपांडेड 85 सेंटीमीटर रखाई किंतु एसटी पिला हाइट रखाई 160 सेंटीमीटर चेस्ट रखाई 77 सेंटीमीटर एक्सपांडेड रखाई 81 सेंटीमीटर अन्य पोस्ट मान देखो वाचरमैन सफाई कर्मचारी धोबी को बारबर एम हाइट जनरल ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस पिला को पिला 165 सेंटीमीटर हाइट रखाई 81 सेंटीमीटर चेस्ट एवं एक्सपांडेड रखाई 85 सेंटीमीटर से फीमेल झो पिला 155 सेंटीमीटर केवल हाइट रखाई से एसटी पिला मेल पो पिला 160 सेंटीमीटर हाइट चेस्ट कौन रही ना 77 सेंटीमीटर एवं एक्सपांडेड रही 81 सेंटीमीटर किंतु एसटी फीमेल मान हाइट कौन रही ना 148 सेंटीमीटर हाइट रखाई से फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट कौन रही ना सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर रेडियो यही पोस्ट मान रेस रखाई दौड़ रखाई जदि 1600 मीटर दौड़ी पार्टी 7 मिनट पो पिला मैंने आपण यही टेस्ट टी क्वालिफाई करेंगे ता सहित लॉन्ग जंप रही हाई जंप रखाई लॉन्ग जंप 12 फुट रखाई तीनो अटेम्प्ट रखाई ता सहित हाई जंप 4 फिट रे रखाई सेपरि झीव पिला मानों पे दौड़ रही 800 मीटर रे 5 मिनट रखाई लॉन्ग जंप 8 फिट रखाई हाई जंप 3 फिट रखाई सब इंस्पेक्टर सेम जोड़ा कि 1600 मीटर 7 मिनट कंप्लीट कर लॉन्ग जंप 12 फुट हाई जंप 4 फुट रखाई किंतु ए फॉलोअर वाचरमैन धोबी कुक एम रेस कौन रही ना 1600 मीटर इन 9 मिनट भितर कंप्लीट कर झीव पिला 800 मीटर 5 मिनट मध्ये रखाई देखो रिटर्न टेस्ट कौन रहा रिटर्न टेस्ट कौन कौन रही ना सब्जेक्ट गुड़ी गुडिक जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश रही जोड़ा कि 40 टी क्वेश्चन समस्त सब्जेक्ट 40 टी क्वेश्चन 40 मार्क रखाई तार्थ गोटे गोटे क्वेश्चन एक एक मार्क लेखा रही जोड़ा कि 120 टी क्वेश्चन 120 मार्क रखाई जोड़ा कि 2 घंटा भितर आपको उत्तर देवाक हम ये समस्त पोस्ट रिटर्न टेस्ट रही सब इन्स्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर रेडियो टेक्नीशियन ये समस्त पोस्ट से पेपर 2 रे यही पोस्ट गुड़ी रखाई जोड़ा कि कौन सब्जेक्ट रही ना कंप्यूटर नॉलेज हिंदी रखाई क्वेश्चन देखा बोले 40 टी क्वेश्चन 40 मार्क रखाई हिंदी 40 टी क्वेश्चन 40 मार्क रखाई जोड़ा कि टोटल 80 टी क्वेश्चन 80 मार्क रखाई जार 1 घंटा मध्य आपको आंसर टी देवाक हम किंतु अन्य पोस्ट गुड़िक जोड़ा कि रेडियो ऑपरेटर सिपर ऑपरेटर रेडियो टेक्नीशियन एम ट्रेड रिलेटेड रिटर्न एग्जामिनेशन रही जोड़ा कि देख पाते ट्रेड रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज जोड़ा कि 80 टी क्वेश्चन 80 मार्क रखाई जार ड्यूरेशन रही 1 आवर 1 घंटा मध्य आपको यही आंसर गुड़िक देवाक हम एखु को फॉलोअर पोस्ट रिटर्न टेस्ट किसी ना केवल ट्रेड टेस्ट दे पारे 7 रही टेस्ट जोड़ा कि 100 मार्क लेखे 6 लेखे रही जोड़ा कि टोटल मार्क रही 40 मार्क रखाई यदि 50% मार्क आने से क्वालिफाई करेंगे देखो फॉलोअर कारपेंटर रखाई सेपरि धोबी रखाई ये सब पोस्ट कि देखो डीलिंग असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट रखाई जदि से जदि पीईटी पीएमटी एवं पीईटी टेस्ट जो क्वालिफाई कले ताले रिटर्न टेस्ट देवे रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कला टाइपिंग टेस्ट देवे टाइपिंग टेस्ट से जो करते से क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग टेस्ट कौन रही ना ए इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट जदि करते 10 मार्क मिले जदि 31-35 वर्ड पर मिनट जदि टाइप करते 12 मार्क एक्स्ट्रा मिल पार जदि आप पोस्ट इंटरेस्टेड रखुच्च किपर एप्लाय करेंगे ना यही साइट को जाए एप्लाय करेंगे कि
e-recruitment.andaman.gov.in साइट को जिबे ए पोस्ट रे अप्लाई कर परे एथरे पूरा इंस्ट्रक्शन देछि भलहार पढ़ी तापर जाय अप्लाई करबे एथे देखंदो रिसेंट कलर पासपोर्ट ओ जेपीजी फॉर्मेट रे बाहर करियो जार साइज 20 केबी रो 50 केबी परदी रे हबा पड़ियो सेई परि सिग्नेचर रो मध्य स्कैन करबे जोडा कि जेपीजी फॉर्मेट रहबो जार साइज 10 रो 20 के मधर तिबा निहाते आवश्यक पड़ियो एथरे एप्लीकेशन फी कोन रहिछ ना एथरे एप्लीकेशन फी देखियो बोले जनरल एवं ईडब्ल्यूएस पिला मान पे 25 टका एप्लीकेशन फी रखाय छि किंतु अन्य फीमेल एसटी एवं फिजिकल हैंडीकैप पिला मान पे कोनस प्रकार एप्लीकेशन फी नाही एही एप्लीकेशन फी डी एही अकाउंट नेम रे आपन को पेमेंट करबे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दलिगन एही आईएफएससी कोड रे जोडा कि नेट बैंकिंग माध्यम रे कर परिए किंबा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किंबा यूपीआई माध्यम रे पेमेंट करि परिए एथि क्लोजिंग डेट केबे रहै छै ना 30/5/2023 तारीख दिन लास्ट डेट रहै छै ता पूर्वरो आपन जदि इंटरेस्टेड अछन्ति अप्लाई करियौ ताले ए पूर्वरो एथिरे अप्लाई कर देबे एटा थिला मोर इन्फॉर्मेशन जदि आपन को पसंद आसिला निजो निजो संगसाथी मानन को शेयर करंतु ओ आमो चैनल टिकु सब्सक्राइब करनु।